हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल डेटाबेस में एंट्री करना, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि व्यू होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसमें हम कैसे कोई डेटा को एंट्री कर पाएंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करूंगा। तो ये हमारा इस तरह से व्यू आएगा, आमतौर पर ऐसा ही व्यू हमें दिखाई पड़ता है। हमें क्या करना है, यहां से क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये दो ही व्यू दिखाई पड़ते हैं, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, ठीक है। हमें क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है। ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेरी डिजाइन पे हमने क्लिक किया और यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए आप। तो यहां पर आपको एसक्यूएल व्यू मिल जाएगी, इस पर क्लिक करिएगा। तो ये हम एसक्यूएल व्यू में आ चुके हैं। हमें यहाँ टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हमें एक कमांड देना होता है जिसका नाम है क्रिएट टेबल। तो यहां लिखूंगा क्रिएट टेबल, ओके। क्रिएट टेबल लिखने के बाद नीचे आएंगे, ठीक है। इस टेबल का नाम पहले दे देंगे हम, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं इस टेबल का नाम देता हूं रिकॉर्ड, ठीक है, यही नाम मैं दे देता हूं इसको। ये रिकॉर्ड नाम से हमने टेबल बना ली, यहां पे आ गए, स्मॉल ब्रैकेट लगा लिया, देन नीचे आएंगे। अब यहां पर हमें डेटा एंट्री करनी है, जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट आईडी एंटर करनी है हमें, तो STUDENT स्टूडेंट आईडी हमने लिखा, ठीक है। अगर आप अंडरस्कोर करके लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर, यहां पे मैं अंडरस्कोर करके स्टूडेंट आईडी लिख देता हूं। ये इंट, ये जो है कैन नॉट नल, इसके आगे मैं लिखता हूं कैन नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं प्राइमरी की होने की वजह से ये नल नहीं छोड़ी जा सकती है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट आईडी होगी ना वो इंट टाइप की होगी, कैसी होगी, इंट टाइप की, यानी इंटीजर टाइप की स्टूडेंट आईडी हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, कॉमा देना है, नीचे आएंगे। दूसरा चीज, यहां पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, ठीक है, स्टूडेंट नेम ये दे दिया हमने। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर देना है वेरिएबल कैरेक्टर, यानी वेर कैर यहां पर देना है, और यहां पर 20 लिख दिया हमने, यानी इसकी साइज होगी 20 से मोर देन आप नहीं लिख सकते, इतनी ही साइज आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब साइज तो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यहां पे मैंने 20 ही रखा है साइज को, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं फादर नेम, फादर नेम, तो स्टूडेंट का फादर का जो नेम होगा वो यहां पे लिख देंगे। और इसका जो वेरिएबल कैरेक्टर जो वेर कैर होगा वो कितना होगा, इसका हम कर देते हैं 30, ठीक है। तो यहां मैंने 30 कर दिया, ठीक है। यहां पर करता हूं मदर्स नेम, तो मदर नेम करता हूं मैं, मदर नेम ये कर दिया हमने, ठीक है, NAME मदर नेम किया। अब यहां पे वेरिएबल कैरेक्टर जो हमको लिखना है वो लिख दिया हमने, और यहां पर भी 30 ही रहने देने वाला हूं मैं, तो 30 कर दिया हमने। और नीचे आएंगे, यहां पर कैसे काम करना है, अब देखिए सपोज कीजिए स्टूडेंट जो है कई सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 1, 2, 3 के फॉर्मेट में लिख देता हूं, उसमें हम न्यूमेरिक डेटा एंटर करवाएंगे। ये इंट टाइप का है, किस टाइप का है, इंट टाइप का, ओके। तो सब्जेक्ट 1 कैसा डेटा टाइप है, इंट टाइप का, ओके ना। चलिए अब नीचे आएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट 2, जैसे सब्जेक्ट 1 लिखा वैसे सब्जेक्ट 2, 3, 4 ऐसा करके लिखते जाएंगे। सब्जेक्ट 2 ये भी इंट टाइप का है, इंटीजर हमने सब में मेंशन कर रखा है। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो रन करवाने से पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है जो हमने ओपन करा था। अब यहां से इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहां पे प्रॉब्लम है, की छूट गया है, तो यहां की लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां कॉमा दे देंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे मैंने कहीं भी कॉमा नहीं दिया है, तो यहां पर भी कॉमा देना होगा, ठीक है। लास्ट में हम कॉमा नहीं देते हैं, लास्ट वाला जो हमारा होता है टाइटल उसमें कॉमा हमें नहीं देना है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, दिखेगा कैसे, यहां रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहां इस तरह से हमें ये दिख जाएगा। आप देख सकते हैं अब इसमें हम डेटा एंट्री कर पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट आईडी 1 है, स्टूडेंट का नाम है राम, ठीक है। फादर्स नेम जो भी इनका है, जैसे मान लीजिए श्याम कुमार, मैं लिख देता हूं श्याम कुमार, ठीक है। और यहां पे मदर्स नेम सीता देवी कर देता हूं, ठीक है।
और यहां पर सब्जेक्ट 1 का मार्क्स 55, सब्जेक्ट 2 का मार्क्स 66, ठीक है, फिर यहां 23, जो भी मार्क्स है वहां पे हम डाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले डेटा में आ जाएंगे, टेबल में आ जाएंगे, यहां स्टूडेंट आईडी डालनी कंपलसरी है, ठीक है, तो यहां 2 डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से करके हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका टोटल हम कैसे कर पाएंगे, यानी इसको एडिशन हम कैसे करा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर हमें कोई डेटा चाहिए, जैसे सपोज कीजिए डेटा तो हमने इतना बड़ा बना लिया, ठीक है, जैसे ये क्वेरी हमने बनाई है, आप देख सकते हैं इस क्वेरी को, सपोज कीजिए हमें स्टूडेंट नेम वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो इसको कैसे हम बाहर हटा सकते हैं, ठीक है, और इसमें कॉलम हमें ऐड करवाना हो तो कैसे हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसमें कॉलम ऐड हो जाएगा, ये चीजें हम कैसे कर सकेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।